अब हम अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे PYQs का 2020 के, ठीक है, 2020 के PYQs की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी मार्किंग स्कीम हमारी सेम रहेगी जैसे 2018 में थी, 2019 में थी। 2020 हमारा आखिरी PYQs है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसके बाद 2021 में आपके पेपर कैंसिल हुए थे और 2022 में ये पूरा चैप्टर ही डिलीट था, तो ना 2021 ना 2022 इनके पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं बनाएंगे। आप 2023 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर 2023 के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, इस चैप्टर को, तो 2023 के पेपर में इसके क्वेश्चन रहेंगे और 2023 के आगे फिर हम आपको और इसका जो है वीडियो वगैरह बना के देंगे, ठीक है, इसके बाद भी। तो अल्टीमेटली कहना क्या है, 21 और 22 में इसको प्रिपेयर नहीं करना है आपको, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम पर बात करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें भी फिलिंदा ब्लैंक का आया था और 3 मार्क का एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के बीच में आया था। तो पहले हम फिलिंदा ब्लैंक का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज, दो ऑड नंबर का सम कैसा होता है, एक हमने ऑड लिया 1, 1, 3, दोनों जोड़े क्या हो गया, और ये इवन होता है, इसलिए दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह द सम ऑफ एन ऑड एंड इवन नंबर, एक ऑड और एक इवन नंबर का सम क्या होगा, एक हमने ऑड लिया और एक हमने इवन लिया, दोनों जोड़िए क्या आया, ऑड नंबर, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, आंसर ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह द सम ऑफ टू इवन नंबर्स, दो इवन नंबर का सम, हाँ, एक नंबर इवन 2 लिया, एक 4 लिया, दोनों को जोड़े कितना आ गया, इवन ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इवन। तो देखो, इनको रटना नहीं पड़ता, ऑन द स्पॉट एग्जांपल लीजिए, सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए, लेकिन ये नंबर आपको यहाँ पे नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर लिखना है, याद रहेगा, ये हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, 3 मार्क के, उसको देखते हैं, ओके, क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। सेट ए में जो हमारा क्वेश्चन आया था प्रूफ का, वो ऐसा था, प्रूफ दैट द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव को ही कभी कभी सक्सेसिव लिखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, और कैसे नंबर लेने हैं, इवन, 3 लगातार आने वाले इवन नंबर का सम क्या प्रूव करके दिखाना है, इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के टेबल में आने वाला कौन सा नंबर 6 के टेबल में आता है, जो 6 से मल्टीप्लाई होके बनता है, जैसे 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर 12 बन गया, 12 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद बना है ना, तो 12 6 के टेबल में आएगा। एक नंबर है 5, 6 के टेबल में आता है क्या, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करो 5 को, 6 5 30, अब जो नंबर बना वो 6 के टेबल में आएगा। तो किसी भी इंटीजर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 के मल्टीपल में आ जाता है वो 6 के टेबल में, तो हमको भी इसको उसी तरह लिख के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लगातार इवन नंबर हमको सोचने पड़ेंगे, इवन नंबर लिखने की निशानी क्या है, 2 into k, समझ लो, 2 into n, 2 into a, 2 into b, कोई भी एक लेटर लेके, इंटीजर लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। अब लगातार आने वाले इवन नंबर, जैसे एक इवन नंबर है 2, उसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर कौन है, 4, तो 2 में क्या जोड़ दें कि 4 मिल जाए, 2, तो एक इवन नंबर अगर 2k है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला इवन नंबर मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे अगला इवन नंबर मिल जाएगा, समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले 3 इवन नंबर हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इवन नंबर, ओके, मैं ऐसा कर लेता हूं, लेट 3 इवन नंबर्स बी या आर लिख लो, लेट 3 इवन नंबर्स आर, 3 इवन नंबर क्या क्या है हम मान लेते हैं। एक इवन नंबर हमने सोचा 2n, n कोई इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई किए इवन बन गया, अब इसमें 2 जोड़ दूंगा अगला इवन नंबर मिल जाएगा, या इसमें 2 घटा दूंगा पिछला इवन नंबर मिल जाएगा, 3 इवन नंबर हो जाएंगे, ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसमें 2 घटाए तो इसके पहले वाला इवन नंबर मिल गया, और इसी में 2 जोड़ दिए तो इसके बाद वाला इवन नंबर मिल गया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, ये 3 इवन नंबर समझ आए। दूसरे तरीके से भी आप ले सकते हैं, जैसे एक इवन नंबर आपने लिया 2n, दूसरा क्या ले लोगे 2n+2, तीसरा क्या ले लोगे 2n+4, तो ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, जैसे, ये थोड़ा इजी पड़ेगा हमको,
ओके, अब हमको क्या करना है, तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, तीनों का सम करिए, देखिए 2n माइनस 2 एक नंबर है, 2n दूसरा नंबर है, 2n प्लस 2 तीसरा नंबर है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने से क्या बनेगा, 2n प्लस या 2n माइनस 2 प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2 2n प्लस 2n प्लस 2n, सब n वाले हैं साथ में जुड़ जाएंगे, सब प्लस में है, कितने n हो गए, 6n माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, खत्म, बस यही बस बचा। n क्या था, इंटीजर, इसको ऐसे लिखिए बढ़िया से, इंटीजर, किसी इंटीजर से जब 6 मल्टीप्लाई होगा, किसी इंटीजर में जब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक ऐसा नंबर बनेगा जो 6 के टेबल में आएगा, तो ये 6 का टेबल वाला नंबर हो गया कि नहीं, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 6, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड, समझ गए, क्या हो गया, प्रूव, बस इतना ही बनाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? अब हम सेट बी की तरफ बढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन सेट बी में आया था 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट ए फैक्टर ऑफ 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 8, क्या मतलब है, क्या मतलब है, ये एक नंबर है, ये इसका 8 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, फैक्टर किसको बोलते हैं, जो किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जीरो छोड़े, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, समझ आया? तो अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब उस नंबर ने सामने वाले नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दिया, तो इसलिए ये नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड होने वाले का फैक्टर कहलाता है, डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर बन जाता है, ठीक है? इसका मतलब अगर 8 को फैक्टर प्रूव करना है तो इसका मतलब है 8 इसको डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर क्या आता होगा, जीरो। तो अगर आपने 8 से इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर जीरो लाके दिखा दिया, इसका मतलब है 8 क्या प्रूव हो गया, फैक्टर, समझ आया? जहां पर इसमें जो n आता है वो n कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो 8 से डिवाइड करना है इसको ताकि रिमाइंडर जीरो आए, तो रिमाइंडर जीरो लाके दिखाना है, 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जीरो लाके दिखाना है, ठीक है? तो 8 फैक्टर प्रूव हो जाएगा। आप डिवाइड आप किस तरह से कर सकते हैं, एक तो एक्चुअल डिवीजन होता है और दूसरे डिवाइड करने का तरीका चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है, एक डिवाइजर है हमारे पास, डिवाइजर जैसे एक्स माइनस ए, ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर को क्या करते हैं अपन, इक्वल टू जीरो रखते हैं, समझ रहे हो? ये तो इससे x की वैल्यू आती है, ये जो डिवाइजर की वैल्यू हम निकालते हैं, इसको जिस चीज को डिवाइड करना है पॉलिनोमियल उसमें रख देते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल है हमारा ये 2x² प्लस x प्लस 1, मान लो ये पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो? और मान लो ये वाला डिवाइजर था हमारा x-2, तो ये उधर जाके क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, समझ में आया? ये डिवाइजर है और इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का दो तरीका है, एक तो आप ऐसे लिखोगे और इससे डिवाइड कर दोगे, दिस इज एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो जब ये डिवाइड होगा और लास्ट में जो चीज आएगी उसको क्या मान लेंगे, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, ये टेक्निक सब आपने चैप्टर 1 में सीखी हुई है, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब है डिवाइड करने वाले ने डिवाइड होने वाले को पूरी तरह डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर जीरो छोड़ा, इसका मतलब है ये जो चीज है ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर, समझ आया कहानी? सेम डिवीजन हम अगर एक्चुअल डिवीजन नहीं करना चाहते तो ऐसे करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, डिवाइजर को इक्वल टू जीरो करो, एक्स की वैल्यू आई, जिस चीज को डिवाइड करना है उसमें जहां जहां एक्स आता है वहां वहां 2 रख दीजिए, तो जहां जहां एक्स आता है एक्स की वैल्यू रख दीजिए ये, और इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आया, 11 रिमाइंडर होगा। यहां पर देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता तो कैसे करता, कैसे करता, रिमाइंडर आया ना 11, तो ये अगर रिमाइंडर बच गया कुछ, मतलब इसने पूरी तरह डिवाइड नहीं किया, तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा, अगर ये पूरी तरह डिवाइड कर देता तब क्या कहलाता,
हाँ समझ आए ना, ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। इसमें नहीं आया मतलब ये चीज जो है ये डिवाइजर x माइनस टू इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है समझ आया। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये मेथड समझना था कि डिवीजन होता कैसे। लास्ट में ये जो चीज आती है इसको क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है दिस मेथड इज रिमाइंडर थ्योरम। और एक तो ये डिवीजन होता है, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, इसमें भी जब आप डिवाइड करोगे 11 ही आएगा। अब मैं वो करने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मुझे इसको डिवाइड करना है, समझ गए। तो हमारा टारगेट ये है कि हम क्या करेंगे, देखिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, किससे, किसको, 2n plus 3 के स्क्वायर माइनस 2n minus 3 के स्क्वायर को, और जब इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, जीरो, तो हम बोल देंगे 8 इसका फैक्टर है क्योंकि 8 ने डिवाइड कर दिया पूरी तरह से। अब ये डिवीजन ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, आया समझ में। तो हम इसके माध्यम से चलेंगे, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आता है, तो हम वैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फैक्टर, ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ रहे हो, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, समझ रहे हैं। इसको बताइए, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा ए है ना, ए बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। थोड़ा और इसको छोटा लिख लूँ ना, उसके बाद फिर बनाते हैं, 2n प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करवाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, समझ में आया, 2 इंटू ये पूरा a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, हो गया, हो गया। उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी खुलवाइए, अब सामने माइनस है इसलिए सबको ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, समझ में आता है, ये 2 इंटू ये पूरा ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये, हो गया, ओके। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, दोनों का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 जा 4, 3 जा 12n प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ब्रैकेट में रख देते हैं, दिस इज अगेन 4n स्क्वायर माइनस 2 जा 4, 3 जा 12n प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया, इसको मिटाऊं, इसकी जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। अब इसका हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि सामने माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 9 माइनस, बताइए माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12n माइनस प्लस माइनस 9, जो चीज़ सेम है उसको साथ में सॉल्व करेंगे, देखिए 4n स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर माइनस में कैंसल, 12n दोनों प्लस में हैं तो कितने हो गए 24n, ठीक है, और देखिए 9 प्लस में 9 माइनस में, खत्म हो गया, इतनी ही चीज बची, बचा। अब 8 का अगर हमको मल्टीपल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, क्या बताना है, 8 इज ए फैक्टर, 8 इज ए फैक्टर, 8 तो कैसे दिखाएंगे, 8 इज ए फैक्टर, 8 सामने 8 आना चाहिए और रिमाइंडर कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो, नहीं समझे, 8 इज ए फैक्टर, 8 इसका फैक्टर प्रूव करना है हमको, इधर इधर ध्यान दो, 8 इसका फैक्टर प्रूव करना है, फैक्टर मतलब 8 ने इसको पूरी तरह से डिवाइड किया हो, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, दिख रहा है इधर इक्वल के इस तरफ, तो यहाँ 8 दिखना चाहिए कि नहीं, तो इसको क्या मैं 8 की भाषा में लिख सकता हूँ, आंसर यस, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3n, दिखा, तो इसको हमने लिख लिया 8 मल्टीप्लाइड बाय 3n, अब n क्या था, कोई नेचुरल नंबर, 3 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो भी वो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर, तो ये कोई नेचुरल ही नंबर तो रहेगा, m लिख लो, p लिख लो, k लिख लो, कुछ भी लिख लो, या ऐसे ही रहने दो, तो 8 के साथ देखो ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो 8 के टेबल में आएगा कि नहीं, तो ये जो 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल ये कौन है, इधर देखिए
2n plus 3 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक बात समझे कि नहीं समझे? तो ये 8 का मल्टीपल प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि ये जो नंबर है ये क्या है? 8 का मल्टीपल है। अब 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड भी हो जाएगा कि नहीं? तो इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी रिमाइंडर थ्योरम की। आया समझ में? ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा? कोई भी नंबर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 8 के टेबल में आने वाला, और जो नंबर 8 के टेबल में आता है वो 8 से डिवाइड भी हो जाता है, और डिवाइड हो जाएगा तो 8 उसका फैक्टर होगा कि नहीं? हाँ। सो दिस नंबर इज व्हाट? दिस इज मल्टीपल ऑफ 8, और जो 8 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 8। और अगर 8 से डिवाइड हो गया तो 8 क्या बन गया? हाँ, देयरफॉर 8 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये प्रूव हो गया। समझ आया? ये आया समझ में कि नहीं? जो 8 के टेबल में आएगा वो 8 से डिवाइड भी हो जाएगा, और 8 के टेबल में वही आएगा जो 8 से मल्टीप्लाई होके बनेगा। तो ये मल्टीपल तो हमने दिखा दिया, इसलिए ये 8 के टेबल में आता है, इसलिए ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड भी हो जाएगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। हो गया, दिस इज प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो सेट सी में आया हुआ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर 2020। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेट सी में आया था 3 मार्क के लिए। प्रूव दैट द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। सुधारेंगे, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? लगातार। ठीक है, समझ आया? द सम ऑफ 2। प्रूव दैट द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ए मल्टीपल्स ऑफ 4। दो लगातार आने वाले ऑड नंबर का सम क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 के टेबल में आता है। ये क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं 2018 के सेट बी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में आप बना चुके हैं सेट बी में, एक बार हम और बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? क्या प्रूव करना है? 2 ऑड नंबर का सम, लेकिन लगातार आने वाले ऑड नंबर। अब लगातार आने वाले ऑड नंबर कैसे होंगे? तो देखिए, 2 ऑड नंबर हमको सोचने पड़ेंगे। लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी, क्या मान लें पहले ऑड नंबर को? 2k+1। और सेकंड, एक ऑड नंबर के बाद दूसरा ऑड नंबर अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे 1 एक ऑड नंबर है और उसके जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3। तो 1 से 3 के बीच में कितना गैप है? क्या जोड़ने से 3 आएगा? 1 में क्या जोड़ने से 3 आएगा? 2। तो एक ऑड नंबर में 2 जोड़ते हैं तो अगला ऑड नंबर मिलता है। ये है पहला ऑड नंबर। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? दूसरा ऑड नंबर। तो ये है पहला ऑड नंबर, ये है दूसरा ऑड नंबर। आया समझ? और हमको क्या करना है? सम ऑफ 2 लगातार ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर का सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, 2 ऑड नंबर कौन से हो गए? एक है 2k+1। अच्छा, यहां पर आप बता देंगे कि k जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? k इज एनी इंटीजर, ये याद रखेंगे ना, कोई इंटीजर है k। ओके, दोनों को जोड़ दीजिए, 2k+1, 2k+3, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो k के साथ में जुड़ जाएंगे 2k+2k, 1 यहाँ नंबर है और 3 यहाँ नंबर है, ये साथ में जुड़ जाएंगे। बताइए कितना हो गया? 4k+4, इतना ही हुआ ना। अच्छा, हमको क्या प्रूव करना है? मल्टीपल ऑफ 4। तो हम ऐसा करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन आया, ये क्या हो गया? k+1। अब k क्या था? कोई इंटीजर। इंटीजर में जब कुछ चीज जुड़ेगी तो क्या रहेगी? वो इंटीजर। तो ये जुड़ करके सॉल्व होके कुछ आया होगा, मान लेते हैं m आया होगा।
सामने 4 है, तो m क्या है? वो इंटीजर। ठीक है, अब एक इंटीजर है, हमको नहीं पता ये कैसा नंबर है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो कैसा हो गया? 4 के टेबल में आने वाला। जैसे अगर ये 2 है तो हमको नहीं पता 4 के टेबल में आता है कि नहीं, लेकिन 2 अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया? 8, और 8 4 के टेबल में आता है कि नहीं? तो कोई भी नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? 4 का मल्टीपल, 4 के टेबल में आने वाला। तो यही तो प्रूव करना था, 4 का मल्टीपल है, तो ये क्या बन गया? मल्टीपल ऑफ 4। सो दिस इज प्रूफ। यहां पर हमने दो ऑड नंबर का सम लिया है, ये दो अलग अलग ऑड नंबर थे। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया? देयरफॉर सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, दिस इज प्रूव। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 2020 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और अब आपको 2023 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं, होप यू विल गेट ऑल द 4 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। उम्मीद है आप ये 4 नंबर यहाँ से सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट।